राजस्थान में इस महीने होने वाले चुनाव के चलते राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही हैं। ऐसे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं और इन सबके बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। सबसे ज्यादा चिंता और फिक्र है, इसलिए कांग्रेस चाहती है आप मुस्लिम भाई हमारा साथ दें ताकि आगे चलकर हम आपके पक्ष में फैसले लें। मैं आपको आश्वासन देता हूं, साथ बना के रखिए, आपको अपनी मस्जिद वाली जगह भी दिलवा देंगे और 370 भी देखा जाएगा। देखो मैं हर बात खुलकर नहीं बोल सकता, बस इतना। सोशल मीडिया पर अक्सर फेक न्यूज शेयर करने वाले वेरीफाइड अकाउंट मेक अपडेट्स ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैंडिडेट ने कहा कि वे हर बात खुलकर नहीं कह सकते, वे मुसलमानों का भी ख्याल रखेंगे और 370 का भी। बहरहाल ऑल्ट न्यूज ने इस वीडियो के बारे में तफ्तीश की तो पाया कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। 21 नवंबर 2018 को इंडिया टुडे ने ये वीडियो अपनी रिपोर्ट में चलाया था। आज इनके आरएसएस वोटर क्या कर रहे हैं, आरएसएस के जो कार्यकर्ता हूँ क्या कह रहे हैं आप मुझे जानकारी, आरएसएस के जो लोग इन्होंने फैलाए हुए हैं, मैं तो छिंदवाड़ा की बात करूं, मुझे तो लोग आके बता देते उनके आरएसएस क्योंकि नागपुर से जुड़ा हुआ है, वहां तो उनके लिए सुबह आओ रात को चले जाओ और बड़ा आसान है। वो उनका एक ही स्लोगन है, अगर हिंदू को वोट देनी है तो हिंदू शेर मोदी को वोट दो, अगर मुसलमान को वोट देनी है कांग्रेस को वोट दो, केवल दो लाइन और कोई पाठ पढ़ाने नहीं जाते, ये इनकी रणनीति है और इसमें आप सबको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। यानी वायरल वीडियो में अलग से ऑडियो ऐड किया गया है। कमलनाथ ने आरएसएस को सांप्रदायिक बताते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की बातें की थी, लेकिन आने वाले चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इंटरनेट पर एडिट किया गया वीडियो शेयर किया गया।